बिग बॉस OTT 3 के खत्म होने के बाद अब बिग बॉस 18 की चर्चा शुरू हो गई है। यूं तो बिग बॉस 18 के लिए कई सारे सेलिब्स के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी नाम कंफर्म नहीं हुआ है। इसी बीच बिग बॉस OTT 3 के एक कंटेस्टेंट ने दावा किया है कि उनके पास बिग बॉस 18 का ऑफर आया है और वो उसमें हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि कृतिका मलिक है। कृतिका मलिक ने अपनी सौतन को बताया कि वह अब बिग बॉस 18 में जाएगी। जब उनके बिग बॉस 18 में जाने की बात सामने आई तो कुछ लोग कहने लगे कि वह नाटक कर रही है, वहीं कुछ उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, अगर ये गई तो हम शो नहीं देखेंगे। वह एक ने लिखा, कृतिका को बिग बॉस में देखने से अच्छा है कि रोज अपने ससुराल वालों को देखो। वह एक ने लिखा, बिग बॉस को भाभी पसंद आ गई लगता है। वह एक ने लिखा, बिग बॉस कोई मत देखो अगर ये लोग आएंगे तो बिग बॉस में। वह एक ने लिखा, मुझे अब नहीं देखना। वह एक ने लिखा, अनिल कपूर से तो बच गए, सलमान खान तो धो डालेगा इनको। वहीं बिग बॉस 18 के लिए सोएब इब्राहिम, विशाल पांडे, लोकेश कटारिया, दिग्विजय राठी और अर्जुन बिजलानी का नाम सामने आ रहा है, किंतु अभी तक न मेकर्स की तरफ से और न ही इन सेलिब्स की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।